मेरा बेटा कैसे लाश पड़ा, हरम ऐसे ही हंस रहे। आप कोई प्रॉब्लम परेशानी हो रही है क्या? कुछ भी नहीं है, अभी बहुत अच्छे हैं हम लोग। अच्छा। घर की याद आती है? घर की याद नहीं आती हमको, तो कभी नहीं आती। नहीं, हमको तो वो कभी नहीं आती है। तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो नमस्कार दोस्तों, हर महादेव आप सभी को। और अभी हम आ चुके हैं वैद्यनाथ भवन, जो काशी कॉरिडोर मंदिर में ही स्थित है। और यहाँ पर हम अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लेकर के आते हैं। लोग यहाँ पर 3 महीने तक का अपॉइंटमेंट लेकर के रहते हैं, सारे सुख सुविधाएँ यहाँ पर हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं ये मोक्ष भवन है कैसा अंदर से, और अंदर हमें क्या क्या सुविधाएँ और मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोक्षी भवन नाम से ये स्थित है। और कितना ही साफ सुथरा है, ये काशी कॉरिडोर मंदिर में ही है ये। और यहाँ हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं ये दिखता कैसा है। ये मोक्ष भवन है, ये इसको पूरा तारा संस्थान उदयपुर राजस्थान से है, वो इसे चलाती है। यहाँ पे जो भी बुजुर्ग है 65 की एज से हम रखते हैं, ज़्यादातर बेड रिटर्न जो बेड पे रहते हैं 24 घंटे उनको ज़्यादातर प्राथमिकता हम देते हैं। जी हाँ, और जब हम इनका एडमिशन करते हैं तो उस टाइम में आधार कार्ड की 2 कॉपी, 2 फोटो, मोबाइल नंबर, ये हम उनसे लेते हैं। और साथ में एक लिखा के लेते हैं उनके बच्चों से कि इनके मम्मी पापा को मोक्ष भवन में रखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी हाँ। और साथ में कौन कौन के रह सकते हैं? देखिए, साथ में तो हम उनके किसी को भी नहीं रखते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास में केयरटेकर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है जी। उनकी केयर करने के लिए पूरा स्टाफ है हमारे पास में, तो घर पे मेंबर की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जी हाँ। अगर कोई उनसे मिलने के लिए आना चाहता है वो आ सकता है, मिल सकता है, 2-3 घंटे आराम से बैठ के बातें कर सकता है, लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं है किसी मेंबर की। अच्छा। जी 3 महीने तक का यहाँ पे, यहाँ पे बुजुर्गों को 3 महीने, 3 महीने तक का यहाँ पर रहने का उनको परमिशन मिलता है जी। जी सर, थोड़ा सा हमें ऊपर दिखा दीजिए कि ऊपर कैसे क्या है, हॉल कैसे बने हुए हैं। जी सर, आप देख सकते हैं लिफ्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध है, तो यहाँ 65 ईयर्स के लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि वो लोग कहाँ रुकते हैं और क्या व्यवस्था और भी दी गई उन लोगों को। जी, तो ज़्यादा हम शोर नहीं करते हैं, वो लोग अभी आराम का टाइम है, दोपहर की 3 बज रहे हैं और वृद्ध लोग हैं। सर, यहाँ पर दवा वगैरह मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध है? पूरी दवा की भी इंतजाम है, डॉक्टर साहब विजिट करते हैं महीने में 2 राउंड। अच्छा। और नर्सिंग स्टाफ एनी टाइम रहता है 24 घंटे, केयर टेकर भी 24 घंटे रहता है। और खाने पीने के लिए कैसे क्या मिलता है? खाने पीने की भी पूरी सुविधा है, सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे चाय बिस्किट है, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, हर दिन वैरायटी चेंज करते हैं, और लंच में दाल चावल सब्जी रोटी रहता है। फैमिली मेंबर को अगर बात करना हो तो आप फ़ोन पे बात करवा सकते हैं, हमारे नंबर पे बात करवा सकते हैं, अगर इनके पास मोबाइल है तो ये भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और कोई सीरियस अगर केस हो तो क्या करना होगा फिर? अगर कोई सीरियस हो जाता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले तो फर्स्ट डोज जो है, फर्स्ट ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे जो डॉक्टर को बुला करके, उसके बाद डायरेक्ट हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। ये इधर महिलाओं का वार्ड है क्या? ये पूरा महिलाओं का है, अभी ऊपर का रेडी हो रहा है, इसलिए हमने बुजुर्गों को जेंट्स को इस साइड में रखा हुआ है। ये आज ऊपर अभी और बन रहा है क्या? हाँ जी, ऊपर रेडी हो रहा है अभी। अच्छा। मतलब कितने कमरे फिर भी यहाँ पे होंगे? कमरे नहीं, यहाँ पे हाल है जी। 3 फ्लोर है, अभी 2nd फ्लोर रेडी हो रहा है। कंबाइंड अगर चाहिए हो तो फिर कैसे मिल सकता है क्या? हस्बैंड वाइफ भी रहेंगे यहाँ पे जी हाँ, तो जेंट्स से नीचे रहेगा, लेडीज ऊपर रहेगा। पूरी फैसिलिटीज मिली है यहाँ पे,
एसी वगैरह भी लगा हुआ है, एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सफाई, एकदम नीट एंड क्लीन है ये। जैसे हमारा काशी कॉरिडोर एकदम नीट एंड क्लीन हर वक्त रहता है, वैसे यहाँ एकदम फर्श चमचमा रहा है और एकदम साफ सुथरा पूरा ये हुआ है हॉल। आइए देखते, मिलवाते हैं आपको यहाँ पर हम मेंबर से भी। आइए हमारे साथ आंटी जी, आशीर्वाद दे दीजिए हमें। कितनी मीठी मुस्कान है हमारे आंटी जी की। तो मैम आप कहाँ से आए हो? हम इलाहाबाद से आए। इलाहाबाद से आए हो और कब का आए हुए हो आप? 10-15 दिन हो गए। यहाँ पे कोई आपको परेशानी, कोई प्रॉब्लम? यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे। आपको सहेली मिली कि नहीं यहाँ पर? सब सहेली, एकदम से सब सहेली है। हाँ सब सहेली है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। मन घर बता, तो कहाँ जाते हैं आप? अरे बहुत अच्छी जगह, जहाँ वहाँ ऐसे थोड़ा सा चले जाओ तो बहुत ही अच्छा है, दर्शन का रास्ता है ना, और उसके बाद बाहर चेयर डाल के बैठ जाओ, नहीं तो वहाँ नीचे सोफा पड़ा है वहाँ बैठो। हाँ जी, नहीं घबराता है। संगी साथी यहाँ मिल गए आपके, हर सुविधा, गवर्नमेंट के हर सुविधाओं से आप बहुत फायदा उठा रहे हो। हाँ, आप खुश हो यानी कि? भगवान करे सबकी उम्र लग जाए और वो खूब लंबे जिए, ताकि हम जैसे लोगों की हिफाजत होती रहे, है ना। ये देखिए छोटा सा यहाँ मंदिर बना रखा हुआ है हमारी माता जी ने, अपने कान्हा जी को अपने पास रखा हुआ है, अपने बाल गोपाल को अपने पास रखा हुआ है, पूजा पाठ भी कर रही है और अपना देख सकते कितना ध्यान रखा हुआ है और कितनी ज़्यादा प्यारी है। पहले तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए आप। धन्यवाद धन्यवाद, हमें और क्या चाहिए, इतने अच्छे से हमें आशीर्वाद दे रही है और हमें कुछ भी तो लग रहा है मेरा जीवन धन्य हो गया। तो आप कहाँ से हैं माता जी? मैं एमपी से हूँ भाई, जिला निवास तहसील मनासा, ग्राम भाटखेड़ी बुजुर्ग। अच्छा, नहीं अभी बहुत अच्छे हैं हम लोग। अच्छा। बहुत अच्छे। खाने पीने में क्या मिलता है? सब्जी रोटी जो भी नाश्ता में होता है वो मिलता है, पराठा है, लेकिन क्या पोया है, जो भी इससे बने जैसा अच्छा मिल रहा खाना। आप देख सकते हैं सारी सुविधाओं से युक्त है ये वैद्यनाथ भवन। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हमने आपसे आपकी बात भी उनसे करवा ली। तो मैम कुछ बोलना चाहेंगी क्या? इधर आ जाइए आप। सब कुछ बता दिया है। नहीं नहीं, आप बताइए, कुछ और बताइए। नहीं बहुत अच्छा है जी। और यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव। हाँ हाँ, उन्होंने ही बुलाया है, तभी तो हम भी आए हैं। हम तो यही के हैं, हम काशी के ही हैं। जी हाँ, ना वही सबसे बड़ी संपत्ति है, अंदर का खुशी मिलता है, इतना हंसते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। अरे यहाँ का खाना और पानी है ना अच्छा रहता है ना, इतना खाना अच्छा लगता है ना। घर की याद आती है? घर की याद नहीं आती हमको, तो कभी नहीं आती। नहीं हमको तो वो कभी नहीं आती है। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बोले जी जी, हम लोग हमारी कल्पना है ना, हमारी कल्पना, मेरी कल्पना, कल्पना जी गोयल, कल्पना जी गोयल जी। जो अच्छा। वो है ना भगवान के बाद उन्हीं का नंबर है मेरे दिल में। कल्पना जी गोयल कौन है? जो ये हमारा संस्थापक है ये भैया, अच्छा क्या बताया। वो तो हम देख ही रहे हैं भैया, आगे सबका 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 हाल चाल बेट बेट पर ले रहे हैं कि कौन की किसी को दिक्कत तो कोई नहीं। जी जी, बेटा भी नहीं पूछता है, इतना प्यार से बात करते। कहाँ बेटा लोग पूछता, इतना प्यार से बात करते ना। आपको देखिए आशीर्वाद मिल रहा है, सभी माओ का आशीर्वाद। कहाँ लोग एक माओ से धन्य होते हैं, आपको इतनी सारी माए मिल गई, सच बात है। बात करते हैं जैसे अपनों को बात करके दिल खुश हो जाता है, नहीं तो कैसे कितना हंसेगा कहाँ से। नहीं तो सही बात, दिल खुश होगा। घर में तो एक ही बेटा एक ही बहू होगी और यहाँ तो देखिए इतने सारे आपको यहाँ पर संगी साथी मिल गए हैं, इतने अच्छे हैं ना। हाँ। हम लोग इतना हंसते हैं बैठ के, इतना हंसते हैं। इतना हंसते हैं ना, बहुत अच्छा है वहाँ, माने अच्छा ही लगता है। भगवान करे आप ऐसे हंसते रहिए और हमें खूब ढेर आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे, खूब खुश रहे। जी जी, तो ना एक दिन उठा के भगवान वहां पहुंचा दे। अभी नहीं जाना है, क्या करेंगे अब।
कितनी जिंदा दिली देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स, कितनी जिंदा दिली है इनके अंदर अभी भी इस उम्र में। और हमें जीने का जिसे हौसला होता है मैं सीखना चाहिए कि ऐसे हंसते रहो हर वक्त, कोई भी दुख परेशानी हो ऐसे ही खुश रहो। एक बात और बोल दे। जी जी इसमें मत बोलिए, मेरा बेटा कैसे लाश पड़ा हरा मैसे हंस रहे बता रहे, क्योंकि हम ब्रह्म कुमारी के जाते थे। अच्छा तो वो के एक दिन तो ये शरीर तो नासवान है, आत्मा अमर हूँ, आत्मा आत्मा भाई भाई ये शरीर नस्वर है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, पर लेकिन सच्चाई तो यही है, पर सच्चाई को कोई मानता नहीं है, मानते नहीं है लोग सच्चाई को। फिलहाल हम तो आपको यहाँ ये वैद्यनाथ भवन दिखाने आए थे कि यहाँ पर कितनी सुख सुविधाएं हैं, बहुत कुछ मिला सीखने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखे। और कितनी माओं का आशीर्वाद देके जा रहे हैं, कहाँ मेरी एक माँ थी और कहाँ मुझे इतनी सारी माएँ मिल गई, इतना मुझे आशीर्वाद मिला, दिल से आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए। तो देख सकते हैं सर, थोड़ा हमें और कुछ और डिटेल बताइए दीजिए यहाँ के बारे में। सर जैसे कि अभी तो मैं एक ही ये रूम मतलब हॉल दिख रहा है, हाँ हाँ ऊपर अभी और बन रहा है। जी 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 आज ये क्लियर हो जाएगा, आज पूरे बेड लग जाएंगे जी। तो जेंट्स को हम ऊपर रखेंगे और लेडीज को माता जी को सब यहाँ रखेंगे हम लोग जी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया वैद्यनाथ भवन कितना बढ़िया बना हुआ है, और इसी के जी जी गायक मोहम्मद रफी, और सर की चैन देखिए गजब लग रही है भाई, और जिंदा दिली लग रही है इनके अंदर। तो सर अपना अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज रामचंद्र कुमावत उर्फ मोहम्मद रफी साहब, आई एम बिलोंग टू उदयपुर राजस्थान। या सर सिंगिंग सॉन्ग या मैं दिल पे सुना देता हूँ, दो गाने निकाले, एक तो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदूर, एक ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें, ये तो यही सुना देता हूँ। फिल्म इज्जत से है ये गाना। नहीं अब व्हाट्स योर नेम? माय नेम सुशीला सेठ। सुशीला सेठ जी, वेरी गुड सेठानी सुशीला जी नए दोस्त बनाए जाते हैं पुराने भुलाए जाते हैं, नए दोस्त बनाए जाते हैं पुराने भुलाए जाते हैं, नए जब दिल दुखाते हैं तो पुराने याद आते हैं, नए जब दिल दुखाते हैं तो पुराने याद आते हैं। फिल्म इज्जत से ये गाना मैं आपको दिल के ऊपर आपकी पसंद का है फेवरेट गाना है आपका, तो ये हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। तो खूब मन लगा रहता है लगता है आपका भी ना सर, खूब मन लगा रहता है सर का। अच्छा हाँ, और देखिए कितनी सुंदर कॉस्ट्यूम लग रही है, वाह भाई एकदम जिंदा दिल इंसान है। हम तो यहाँ पे एकदम मुंह बना करके आए हुए थे कि हमें यहाँ पे क्या हम शूट कर पाएंगे, पर यहाँ से हम बहुत खुश हो गए यार, यहाँ जितने लोगों से हम मिले बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि नहीं बाकी मिसाई सुख सुविधाएं यहाँ पे हैं, उनके दिल में ही कुछ दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।